प्रयागराज शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर हंडिया थाना क्षेत्र के भेसकी गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां मासूम की दोनों हाथ कटे हुए रेलवे ट्रैक पर मिला है। छात्र का कहना है कि स्कूल जाते समय कुछ लोगों ने उसके चेहरे पर गमछा बांधकर उसे अगवा करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था, जिसके बाद दोनों हाथ कट गए। पता नहीं तो फिर मैं वहां से उठकर क्या हुआ? ऊपर भागते-भागते गया। हां, उसके बाद मैंने टीचर को नंबर बोला तो उन्होंने फोन लगाया, फिर उसके बाद मेरे अंकल आए, फिर डांट ले गए। हेलो, वही फोन किया। वही पुलिस का कहना है कि छात्र स्कूल नहीं गया था, बल्कि मालगाड़ी के नीचे से रेलवे पटरी पार करना चाह रहा था। उसी दरमियान ट्रेन चल गई, जिसकी चपेट में आने से उसके दोनों हाथ कट गए। सुबह सुबह ये घटना हुई थी और दोपहर में पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्चे का हाथ कट गया है ट्रेन से। इस संबंध में जब पुलिस ने छानबीन करने के मौके का मुआयना किया और हॉस्पिटल में जाकर बच्चे को मिले, बच्चे को फिर जो है सारण हॉस्पिटल में लाया गया। इसकी पूरी छानबीन से ये बात प्रकाश में आई कि बच्चा सवेरे निकला था 8:30 बजे के आसपास अपने स्कूल के लिए। स्कूल की तरफ न जाके वो अपने साइकिल से दूसरी तरफ गया, स्कूल की तरफ गया, फिर वहाँ से लौटा, इसमें जिसको किसी ने देखा था, एक आदमी बता रहा था। उसके बाद वो रेलवे लाइन के किनारे की तरफ जाते हुए भी देखा गया था। बच्चे ने फिर बताया बाद में कि ये मालगाड़ी खड़ी थी जिसके नीचे से वो पार कर रहा था, अचानक मालगाड़ी चल जाने से उसका दोनों हाथ कट गया और वही रेलवे लाइन के बीच में वो पड़ा रहा। जब मालगाड़ी चली गई तो वो भागता हुआ पास के एक प्राइमरी स्कूल में पहुंचा, वहाँ एक अध्यापिका को बताया, फिर उसके घर पर सूचना हुई, उसको फिर एडमिट कराया गया। इस संबंध में लड़के के पिता द्वारा थाना हड़िया में तहरीर भी दी गई है। दोनों हाथ गंवा चुके मासूम का इलाज शहर के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि पीड़ित छात्र आशीष पाल उतराव थाना क्षेत्र के शिवगढ़ गांव का रहने वाला है, जो पास के ही एक निजी स्कूल में 4th कक्षा का छात्र है। हमेशा की तरह 2 दिन पहले भी वो साइकिल से स्कूल जा रहा था, इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उसका एक हाथ पूरी तरह कट गया, जबकि दूसरा भी आधा कट गया। पीड़ित छात्र की माने तो 2 लोगों ने उसे अगवा किया और बेहोशी की हालत में ले जाकर रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया, जहां पर उसका दोनों हाथ कट गए। होश में आने के बाद पास के प्राथमिक विद्यालय में जाकर टीचर से अपनी मां को फोन करवाया, जिसके बाद परिजन पहुंचे। परिजनों ने उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। आला अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया। SP गंगापार की माने तो छात्र घर से स्कूल के लिए जरूर निकला था, लेकिन वो स्कूल के बजाय खेलने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। पटरी पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसके दोनों हाथ कट गए। सुबह सुबह ये घटना हुई थी और दोपहर में पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्चे का हाथ कट गया है ट्रेन से। इस संबंध में जब पुलिस ने छानबीन करने के मौके का मुआयना किया और हॉस्पिटल में जाके बच्चे को मिले, बच्चे को फिर जो है सारण हॉस्पिटल में लाया गया। इसकी पूरी छानबीन से ये बात प्रकाश में आई कि बच्चा सवेरे निकला था 8:30 बजे के आसपास अपने स्कूल के लिए। स्कूल की तरफ न जाके वो अपने साइकिल से दूसरी तरफ गया, स्कूल की तरफ गया, फिर वहाँ से लौटा, इसमें जिसको किसी ने देखा था, एक आदमी बता रहा था। उसके बाद वो रेलवे लाइन के किनारे की तरफ जाते हुए भी देखा गया था। बच्चे ने फिर बताया बाद में कि ये मालगाड़ी खड़ी थी जिसके नीचे से वो पार कर रहा था, अचानक मालगाड़ी चल जाने से उसका दोनों हाथ कट गया और वही रेलवे लाइन के बीच में वो पड़ा रहा। जब मालगाड़ी चली गई तो वो भागता हुआ पास के एक प्राइमरी स्कूल में पहुंचा, वहाँ एक अध्यापिका को बताया, फिर उसके घर पर सूचना हुई, उसको फिर एडमिट कराया गया। इस संबंध में लड़के के पिता द्वारा थाना हड़िया में तहरीर भी दी गई है। परिजनों की तहरीर पर हंडिया थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस भले ही छात्र को अगवा करके रेलवे ट्रैक पर फेंकने की बात से इनकार कर रही हो, लेकिन मासूम उसके परिजन चीख चीख कर अगवा करके रेलवे ट्रैक पर फेंकने की बात कर रहे हैं। बालक घर से निकला था पढ़ने के लिए हंडिया जूनियर स्कूल में, और वो बता रहा था बच्चा कि मेरे साथ 2 लोग पकड़े मुझे और बेहोश करके रेलवे किनारे के फेंक दिए, और होश आने के बाद मैंने प्राइमरी स्कूल भेक्सी बदलपुर में पहुंचा, वहां पे और मैडम 2 लोग मुझसे पानी मांगा, पानी में नहीं दिया, और उसके बाद फिर अपने मम्मी का नंबर बताया। मम्मी के पास फ़ोन जाने के बाद
हम स्वयं संतोष कुमार उसको लेने पहुँचे, वहाँ पे लेके हंडिया साक्षी हॉस्पिटल पहुँचे। साक्षी हॉस्पिटल से रेफर किया गया यहाँ सौजन्या हॉस्पिटल के लिए। सौजन्या हॉस्पिटल में कुछ देर इलाज होने के बाद फिर रेफर कर दिया गया स्वरूप रानी के लिए, जहाँ पे उपचार चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, क्या बालक को जो लोग उनको उन दोनों व्यक्तियों को पहचान पा रहा है कि कौन थे? वो पहचान नहीं रहा है। अच्छा, उसको बेहोश हालत में था। अच्छा, शुरुआत में उनको बेहोश कर दिया गया, उसके बाद लेकर के उठा कर लेकर चले गए। चले गए। अच्छा, इस पे क्या FIR दर्ज हुई है या पुलिस का कोई रुख? अभी FIR दर्ज नहीं हुई है। दर्ज कराने के लिए गए थे, जो वाउचर बनाया गया था उसके माने नहीं किए। अच्छा। हाँ, बोले इस तरीके से वो पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो रेल दुर्घटना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये तो बार बार पुलिस प्रशासन द्वारा भी बोला जा रहा है कि यह रेल दुर्घटना है। रेल दुर्घटना है, लेकिन रेल दुर्घटना के दिखाया जा रहा है जो प्रैक्टिस, वहाँ सारे लोग प्रैक्टिस करके भी देखे, जो बच्चे का हाथ कटा है, अगर हाथ कटता है तो उसका पूरा सर अलग हो जाएगा। किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करके देखा गया, वहाँ रेल दुर्घटना दिखाने की कोई संभावना ही नहीं है।